गुड मॉर्निंग सबके लिए, वेलकम टू द हिस्ट्री विद रोहित सर। और जन्मदिन की जो शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के द्वारा जो प्रेषित की गई, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सबके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्यार तरीके से बनी रहे हमेशा। आज हम एक ही क्लास लेंगे, ठीक है ना, ये वाली। तो थोड़ा सा कुछ फैमिली वालों ने कोई फंक्शन अरेंज किया है, तो थोड़ा सा मुझे एक एक्चुअली मंदिर जाना है जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो मंदिर जाकर के इवनिंग तक वापस होना होगा परिवार के साथ। हनुमान जी का एक मंदिर है, और पॉसिबल हुआ तो आपको दर्शन करवाएंगे, शॉर्ट वीडियोस डाल देंगे यूट्यूब पर वहां से। तो मुझे वहां जाना है, तो एक क्लास लेकर के मैं निकलूंगा आपकी, है ना। और फिर इवनिंग में 9 बजे यूट्यूब पर मुलाकात करेंगे, कल से रेगुलर अपनी सारी क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सबके लिए। ज्वाइन कर लें आज के सेशन को बढ़िया तरीके से। धन्यवाद सुमित जी, थैंक यू सो मच आपके लिए। कल जो मेरी बात हुई थी आपसे पुर्तगाली यात्रियों को लेकर के, शादी मिले थे, मतलब किसकी शादी में मिले थे, क्या कहना चाह रहे हो? यस रोशन, थैंक यू आपके लिए। दोस्तों हम पुर्तगालियों की जो पोजीशंस थी उस पर कल पूरे तरीके से बात कर चुके थे, किस तरीके से पुर्तगालियों ने मतलब जो है उन धन्यवाद आप सबके लिए। बताया था मैंने आपको कि कुन किन पुर्तगालियों का क्या क्या प्रभाव पड़ा। सैन्य प्रभाव भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे, सांस्कृतिक प्रभाव भी मैंने आपको शायद इसके पढ़ा दिए थे। पुर्तगाली और जमोरिन की क्या पोजीशंस थी, ये भी हम लोग कल की क्लास में आपके साथ बात कर चुके थे। और इसके बाद आज हम जो चीज देखने वाले हैं उस पे पुर्तगालियों के बारे में, पुर्तगालियों की जो फैक्ट्रियां थी और उनका जो संगठन होता था, मैंने बताया था भंडार गृह कारखाने क्या होते थे, फैक्टर कारखानादार जो अधिकारी होता था उसको पुर्तगाली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग मिलते थे, ये सारी चीजें मैंने कल आपको बता दी थी। फैक्टर कौन होता था ये आपसे सीधा पूछा जाएगा, तो फैक्टर कारखाने का प्रतिनिधि यानी फैक्ट्री का प्रबंधक जो है वो फैक्टर होता था। ये सारी बातें कल तक हमारी हो गई थी। गोवा की पोजीशंस क्या थी ये मैंने आपको बताया था, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे यहां से। तो गोवा से स्टार्ट करेंगे। देखो गोवा पुर्तगालियों के बारे में जब बात करते हैं तो गोवा को हम लोग अधूरा नहीं छोड़ सकते। गोवा पे बातें करें दोस्तों तो 1510 में सबसे पहले क्या हुआ था, पुर्तगालियों का एक गवर्नर था अल्बुकर्क, उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन करके पुर्तगालियों को दे दिया था। पहला स्टेप ये था। तो 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीना था। ये आपको पता है गोवा के बारे में, गोवा का सफरनामा पढ़ रहे हैं, गोवा की पोजीशंस क्या हुआ करती थी। उमेश जी धन्यवाद। अब बीजापुर का जो सुल्तान था इब्राहिम आदिल शाह, उसने क्या किया था, पुर्तगालियों से गोवा को छीनने का एक प्रयास किया था, लेकिन वो विफल प्रयास था। इसके बाद में बीजापुर का एक सुल्तान था, ठीक है, इस सुल्तान का नाम हुआ करता था इब्राहिम आदिल शाह। 1534 से 1558 तक ये शासन रहा था इसका इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह की बात करें तो 1534 से और 1558 तक इसने कार्य किया था। इस सुल्तान ने गोवा को छीनने का असफल प्रयास किया।
इसने प्रयास तो किया था कि गोवा को मैं वापस पुणे पुर्तगालियों से अपने कब्जे में ले लूं, धन्यवाद शिखा सौरभ, थैंक यू, लेकिन ये क्या नहीं कर पाया, गोवा को छीन नहीं पाया। इसके अलावा मुगलों ने भी पुर्तगालियों से गोवा छीनने के बहुत प्रयास किए थे लेकिन सब असफल रहे थे। ठीक है, गोवा के लिए मुगलों ने भी पुर्तगालियों से गोवा छीनने के असफल प्रयास किए। गोवा छीनने के असफल प्रयास किए थे, मुगल भी इनसे गोवा को छीनने में सक्सेस नहीं हो पाए थे। ठीक है, 1809 में नेपोलियन के युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने एक बड़ी आसानी से क्या किया था, गोवा पर कब्जा कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। 1809 में अंग्रेजों ने नेपोलियन युद्ध के दौरान, 1809 याद रखना है, अंग्रेजों ने नेपोलियन से युद्ध के दौरान बड़ी आसानी से गोवा पर कब्जा किया था। अब गोवा की कहानी यही नहीं सिमटेगी, थोड़ी सी और बातें गोवा के बारे में करेंगे जो आपको पसंद आएंगी। देखिए, तो गोवा की बातें यहां पर चल रही थी, अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, इस गोवा पर कब्जा कर लिया था। लेकिन आपको याद होगा कि वियना की एक संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, वियना की संधि हुई थी। बाद में क्या हुआ था, वियना की संधि हुई थी 1815 में, और वियना की संधि 1815 के अंतर्गत यह वापस पुर्तगालियों को सौंप दिया गया था, ये याद रखना है आप लोगों को। कब्जा कर लिया, ठीक है, लेकिन 1815 में वियना की संधि, आपसे पूछा जाएगा किस संधि के तहत पुर्तगालियों को गोवा वापस मिला, तो वियना की संधि के तहत यह वापस पुर्तगालियों को मिला। आपको पता था क्या ये वाला फैक्ट? अगर आपको ये पता था तो आप अच्छा पढ़ रहे हो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो वियना की संधि के द्वारा ये क्या हुआ, वापस पुर्तगालियों को मिल गया था। तब से लगातार पुर्तगालियों के हाथ में ही रहा था। 1961 में जाकर के जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने 4 सदियों की इस विदेशी दास्ता से गोवा को मुक्त करके भारतीय गणराज्य में मिलाया हुआ था। ठीक है, 1961 में जन आंदोलन की सहायता से भारतीय गणराज्य में मिला लिया गया। भारतीय गणराज्य में गोवा को मिला लिया गया था, ठीक है। तो ये कहानी थी गोवा की, गोवा की स्थिति यहां पर जाकर के समाप्त हो गई। हम लोगों ने पुर्तगालियों से कब, किसने क्या छीना, कैसे छीना, ये सारी बातें आप लोगों से कर ली थी, ठीक है, ये सारी बातें हो गई थी। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको लिखाऊंगा जो इन पुर्तगालियों के इस अभियान से रिलेटेड रहेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्टली डचों पे आ जाएंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारा ज्यादा टाइम यहाँ पर अब लगने वाला नहीं है, हम डचों के बहुत नजदीक हैं। दोस्तों आपने सुना होगा धर्म युद्ध, यानी कि आप चाहें तो मैं लिखा देता हूं और चाहें तो अपन जर्नली बात कर लेते हैं। जो क्रूसेड्स हुए थे, ठीक है, इनका टाइमिंग माना गया लगभग 1095 से लेकर के और 1291 तक। एक पवित्र स्थान था जेरूसलम,
जेरूसलम फिलिस्तीन में पड़ता है, ठीक है, फिलिस्तीन को जेरूसलम कह सकते हैं या फिलिस्तीन में जेरूसलम पड़ेगा। वहां पर क्या था, मुस्लिम थे, और मुस्लिमों भी मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उसमें भी सलजुक नाम के तुर्क हुआ करते थे, ठीक है, सलजुक नाम के तुर्क हुआ करते थे। उन सलजुक नाम के तुर्कों से पुणे इस पवित्र स्थान जेरूसलम को प्राप्त करने के लिए ईसाई शासकों और यूरोपियों के द्वारा क्या हुआ था, क्रॉस, क्रॉस का मतलब ईसाइयों वाला क्रॉस, उस क्रॉस के झंडे के अंतर्गत भेजा गया एक सैनिक अभियान। क्या था, भेजा गया एक सैनिक अभियान था। ये भी किसको माना जाता है, धर्मयुद्ध का कारण इस पुर्तगालियों की सेना को माना जाता है, मतलब सॉरी धर्मयुद्ध का कारण नहीं, पुर्तगालियों में भारत आने के पीछे उन क्रूसेड्स की भी महत्वता रही थी, ये मेरा कहने का मतलब है। क्या था कि पुर्तगालियों के भारत आने के पीछे क्रूसेड्स की भी महत्ता रही थी। आप चाहें तो इसको लिख लें, नहीं तो केवल समझ लें। इसके अलावा आपको याद होगा एक युग चला था लगभग 900 से लेकर के 1200 तक। इन धर्मयुद्धों में क्या हुआ था, कई तरह के ईसाई शासकों के मारे जाने के बाद, यानी कि कई ऐसे ईसाई शासक थे जिनकी मृत्यु हो गई, और उस समय क्या हुआ था, चारों तरफ अशांति फैल गई, अराजकता फैल गई, और उस अराजकता और अशांति के बाद में यहां पर क्या हुआ था, एक सामंतवादी युग प्रारंभ हुआ था। कौन सा युग प्रारंभ हुआ था, सामंतवादी युग। उस सामंतवादी युग में इस यूरोपीय समाज में चार प्रकार के वर्ग हुआ करते थे, किंग यानी कि ड्यूक यानी कि लॉर्ड बैरन, और एक होते थे कृषक, चार प्रकार के ये लोग हुआ करते थे। इन चार प्रकार के लोगों से पुर्तगाली जो भारत में आए, अब थे तो वो यूरोपियों का हिस्सा, तो क्या कहानी है इसको थोड़ा सा आप समझिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, क्रूसेड से। देखो क्रूसेड्स क्या थे, क्रूसेड्स धर्मयुद्ध थे, ठीक है। अब ये क्रूसेड्स या धर्मयुद्ध क्यों लड़े गए थे, ये जेरूसलम को लेकर के, जेरूसलम एक पवित्र स्थान माना गया, ठीक है, इस जेरूसलम पर अधिकार को लेकर के युद्ध लड़े गए थे। ये क्रूसेड्स हुआ करते थे 1095 से, और मैंने आपको लगभग 1291 के बीच में इसका टाइम पीरियड बताया। अब यहां पर क्या था, जो जेरूसलम मैं आपको बता रहा हूं, इस जेरूसलम में क्या था, यहां पर सलजुक तुर्कों का अधिकार था, और इसको इन सलजुक तुर्कों से पुनः प्राप्त करने के लिए इनको, इनसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या हुआ था, इस ईसाई शासकों और यूरोपीय लोगों के द्वारा क्रॉस के झंडे तले भेजा गया एक सैनिक अभियान, और उन सैनिक अभियानों में से ही क्या था, पुर्तगालियों का अभियान माना जाता है। अमित जी अब करवा लेंगे, बस उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो उसकी क्लासेस रेगुलर कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो पुनः प्राप्त करने के लिए धर्मयुद्ध लड़े गए थे। अब कहानी क्या थी कि इसमें इन धर्मयुद्धों के साथ में, ठीक है, अब इन धर्मयुद्धों के माध्यम से कई ईसाई शासक मारे गए, अतः चारों ओर अशांति एवं अराजकता फैल गई, अशांति एवं अराजकता फैल गई, और अशांति और अराजकता फैलने के बाद में क्या हुआ था कि 900 से और 1200 के बीच की स्थिति थी, लगभग लगभग क्या हुआ यहां पर, इसका अशांति और अराजकता फैलने का परिणाम सामंतवाद का उदय हुआ था।
तो फैल गई, और इस फैलने का परिणाम क्या हुआ था यूरोप में? परिणाम हुआ यूरोप में सामंतवाद का उदय। तो दोस्तों जब यूरोप में सामंतवाद का उदय हुआ तो समाज हमारा जो था वो चार वर्गों में विभाजित था, यानी यूरोपीय सामंती समाज के चार वर्ग दिखाई देते हैं। यूरोप में सामंतवाद के चार स्वरूप कौन कौन से थे? चार स्वरूप। इन चार स्वरूपों में सबसे पहला था किंग। इस किंग को सामंती समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। कौन होता था? किंग, यानी कि राजा होता था सर्वोच्च स्थान पर। दूसरा क्या था? किंग के नीचे एक था ड्यूक या अर्ल। इसमें सेना, न्याय एवं प्रशासन तीनों पर नियंत्रण रखने वाले बड़े सामंत हुआ करते थे। सेकंड पोजीशन क्या थी? ड्यूक या अर्ल। ड्यूक या अर्ल। और ड्यूक या अर्ल की बात करें तो इसमें क्या होता था? सेना, प्रशासन एवं न्याय पर नियंत्रण रखने वाले बड़े सामंत। अब देखिए ये जो सामंत है, बड़े सामंत और किंग, इनकी हैसियत में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है, ठीक है? इनकी हैसियत में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है, यानी कि ये और ये लगभग लगभग कैसे हो गए? एक जैसे मान लिए गए। तीसरा जो वर्ग था उसमें छोटे सामंत आते थे जिसको लॉर्ड बैरन के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड बैरन। इसमें क्या था? छोटे सामंत आते थे और छोटे सामंतों में इनके अधीन नाइट्स होते थे। आपको मैंने हिस्टोग्राफी में नाइट्स के बारे में पूरी बातें बताई हैं। इनके अधीन नाइट्स होते थे, एक तरीके से जमींदार टाइप होते थे ये। इनके अधीन कौन रहते थे? नाइट्स रहते थे। अब चौथा जो वर्ग था वो था कृषक वर्ग। अब कृषक वर्ग में भी तीन तरीके के छोटे छोटे अलग वर्ग थे, जिसमें कुछ तो स्वतंत्र किसान होते थे, कुछ कृषि दास होते थे और कुछ व्यक्ति मतलब दास कृषक होते थे। चौथा जो वर्ग था यूरोपीय सामंतवाद में और वो था कृषक। और कृषक में आपको तीन तरीके का कंसेप्ट दिखाई देता है। तीन तरीके के कृषक थे, स्वतंत्र किसान, किसान जिसको दास बना दिया गया, या एक दास जो खेती कर रहा है, किसान कर रहा है, किसान का काम कर रहा है, तो कृषक दास और दास कृषक का अंतर हो गया। तो यूरोपीय समाज में कहानी क्या थी? ये थी। अब सुनिए, धीरे धीरे समाज इन क्रूसेड्स की वजह से इस तरीके की पोजीशंस में आ गया था। और यहीं पर आपको याद होगा कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था 1350 से 1550 के बीच में। क्या हुआ? जैसे ही क्रूसेड्स समाप्त होते हैं तो क्रूसेड्स के माध्यम से ये सारी स्थिति इस तरीके से फैली हुई थी। और इस स्थिति के बाद में क्या होता है? यहां पर पुनर्जागरण पैदा होता है। क्या पैदा होता है? पुनर्जागरण। तो यूरोपीय पुनर्जागरण का जो टाइम था, इसके बाद में पुनर्जागरण की स्थिति आई। अब पुनर्जागरण के काल में क्या हुआ था कि जो भी यूरोप के लोग थे वो चर्च और सामंतों को हमेशा शक की निगाह से देखते थे और हर बात को वो मतलब तर्क के आधार पर मतलब कसने का प्रयास करते थे। जब तर्क की कसौटी पर वो रखते थे तो इन्हीं चीजों को लेकर के धीरे धीरे क्या हुआ था? धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हुए थे, ठीक है? और पूर्वी सभ्यता में या सॉरी पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों ही सभ्यताओं में एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। वो प्रमुख केंद्र क्या था? कुस्तुंतुनिया था।
और उस कुस्तुनतुनिया से प्रमुख सभ्यता का मतलब सर्वप्रमुख जो केंद्र था वो कुस्तुनतुनिया से जाकर के कहां शिफ्ट हो गया था, इटली में शिफ्ट हो गया था। रीजंस क्या था, क्योंकि कुस्तुनतुनिया पर 1453 में आपने देखा होगा सुना होगा किनका अधिकार हो गया था, ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया था। धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच, जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप आज एक ही क्लास लेंगे प्रीति तो मैंने मॉडर्न स्टार्ट कर ली, ठीक है ना। अब कहानी क्या हुई थी कि इस टाइम पर ऐसी पोजीशंस हो रही हैं, पुनर्जागरण हो गया, सारी चीजें हो गई और इन सब के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र पर पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा था, ठीक है। पुनर्जागरण के माध्यम से नई भौगोलिक खोजें हुई थी, कितनी पुनर्जागरण। अतः अगला युग पुनर्जागरण का आया। ठीक है, और इस पुनर्जागरण के बाद धार्मिक आंदोलन और उसके बाद में प्रबुद्धवादी आंदोलन का युग आया। प्रबुद्धवादी आंदोलन का युग आया तो जब हम बातें करेंगे किसके बारे में, इस पुनर्जागरण के बारे में, तो उस पुनर्जागरण को हम लोग एक तरीके से सांस्कृतिक क्रांति की संज्ञा देते हैं। पुनर्जागरण को हम लोग क्या संज्ञा देते हैं कि यहां पर एक तरीके से सांस्कृतिक क्रांति हुई। सांस्कृतिक क्रांति का मतलब जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति दिखाई देती है आपको, और इन्हीं में से एक था क्या, भौगोलिक खोज। इन भौगोलिक खोजों के कारण संभव हुआ था कि ये पुर्तगाली जो है वो यहां पर आ जाएं। धन्यवाद रामपाल जी, नेहा एंड आप सबके लिए बहुत थैंक यू सो मच। ठीक है, अब कहानी क्या थी, एक थी भौगोलिक खोज तो सांस्कृतिक प्रगति आपको दिखाई देती है। दूसरा यहां पर रीजन क्या था कि इस पुनर्जागरण से जस्ट पहले क्या था कि कुस्तुनतुनिया जो कि इससे पहले एक सर्वप्रमुख केंद्र होता था, और फिर 1453 में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया की जगह इटली, और इटली क्या हो गया, सर्वप्रमुख केंद्र बन गया था। धीरे धीरे धार्मिक आंदोलन वहां पर उखड़ करके आए थे, फिर प्रबुद्धवादी आंदोलन उखड़ करके आए थे। अब जीवन में मैंने आपको बताया हर क्षेत्र में प्रगति हुई, सांस्कृतिक प्रगति हुई, साहित्य में प्रगति हुई, संगीत में प्रगति हुई, धर्म में प्रगति हुई, मानवतावाद में प्रगति हुई, सारी चीजों में प्रगति होती है। अब इस टाइम पर ग्रीक भाषा क्या हुई थी, थोड़ी सी समृद्ध हुई थी। इस टाइम पर छापे खाने का विकास हो चुका था, प्रिंटिंग प्रेस लग चुकी थी। तो यूरोप वासियों ने क्या किया था, ग्रीक भाषा की जो कुछ पुस्तकें थी जिसमें न्यू टेस्टामेंट नाम से आप उसको जानते हैं, जो बाइबल थी तो उसको न्यू टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं, उसको पढ़कर के भौगोलिक, वैज्ञानिक और धार्मिक क्या किए थे, सुधार किए थे। इन सब के कारण यहां क्या हुआ था, साहित्य का विकास हुआ, ठीक है, और साहित्य के विकास के अंतर्गत ग्रीक भाषा का विकास हुआ। और ग्रीक भाषा के विकास की अगर बातें करें तो आपको दिखाई देता है यहां पर इन्होंने क्या किया था, न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट पढ़कर इन्होंने क्या किया था यूरोप वासियों ने, ठीक है, इन्होंने भौगोलिक, वैज्ञानिक एवं धार्मिक, मतलब भौगोलिक और वैज्ञानिक विकास किया और धार्मिक सुधार किए थे। इन्होंने भौगोलिक एवं वैज्ञानिक विकास और धार्मिक सुधार भी किए हुए थे, मैंने आपको ऊपर धार्मिक सुधार भी लिखा रखे। तो दोस्तों इन जो भौगोलिक एवं वैज्ञानिक विकास के अंतर्गत ही भौगोलिक खोजें थी, जिसमें भारत की खोज हुई, नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई और ये पुर्तगाली भारत, यूरोप वासी भारत आए। तो यूरोप में से एक तो ये पॉइंट तो आपको समझा ही दिया था जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था कि क्यों आए थे।
व्यापारिक जरूरतें थी, मसालों का व्यापार करना इनका वो था, नीड थी। कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया तो वो मार्ग इनका अवरुद्ध हो गया, तो इनको नए एक जल मार्ग की तलाश थी। सब बताया, लेकिन मैंने एक बैकग्राउंड भी समझाया कि यूरोप में क्या चल रहा था। ठीक है, इसके अलावा ये भौगोलिक खोजें आपके लिए जिम्मेदार थी। अब भौगोलिक खोजों में आपसे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बन जाता है, कई बार सूची सुमेलन करने के लिए भी बन जाता है, या वैसे भी बन जाएगा। तो भौगोलिक खोजों में बात करें, इनको एक जगह कर देता हूं मैं। भौगोलिक खोजों में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले नाम आता है इसमें भौगोलिक जो खोज हुई, तो भौगोलिक खोजों में पुर्तगाल का क्या प्रयास रहा। ठीक है, तो पुर्तगाल की अगर हम बात करें तो पुर्तगाल में आएगा हेनरी द नेविगेटर, सबसे पहला नाम हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, लगभग लगभग आप लेके चलो इसको 1394 से लेकर के और 1460 के बीच में। फिर हेनरी द नेविगेटर के बाद में एक व्यक्ति का नाम जुड़ेगा पुर्तगाल में, वार्थोलेम्यू डियास, हम सबको पढ़ चुके हैं। वार्थोलेम्यू डियास, इसका टाइम था 1487 के आसपास। ठीक है, और एक व्यक्ति आपको पता था इसमें 1498 में पुर्तगाल से ही कौन जुड़ेगा, वास्को डिगामा। 1498 पुर्तगाल से कौन जुड़ेगा, वास्को डिगामा, 1498। अब ये प्रयास था कि इनका पुर्तगालियों का, लेकिन पुर्तगालियों के साथ इन भौगोलिक खोजों में स्पेन के भी कुछ प्रयास रहे थे। स्पेन के क्या प्रयास रहे भौगोलिक खोजों में, तो आपको याद होगा स्पेन के प्रयासों में आपको क्रिस्टोफर कोलंबस याद होगा, याद है कि नहीं है बताओ। इसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था, क्रिस्टोफर कोलंबस लगभग 1451 से लेकर के और 1506, 1451 से और 1506, क्रिस्टोफर कोलंबस। अब कोलंबस की स्थिति क्या थी, ये मूल रूप से तो इटली का नागरिक था, लेकिन कहानी क्या थी, स्पेन की जो रानी थी जिसका नाम था इशाबेला, उसने इसको इकोनॉमिकल मदद की थी। उस मदद की वजह से ये क्या कर रहा था, समुद्री अभियान पर निकला था। मूल रूप से कहां का था, इटली का। मूल रूप से ये इटली का निवासी था, लेकिन स्पेन की रानी इलाबेस, स्पेन की रानी का नाम क्या था, सॉरी इशाबेला, उल्टा लिख दिया मैंने, इशाबेला। इसाबेला की मदद से ये कहां निकला था, समुद्री अभियान पर गया। इस रानी ने इसकी मदद की हुई थी, इसाबेला। ठीक है, अब इसका यह विश्वास था कि जिस प्रकार हम लोग जलमार्ग के द्वारा पूर्व की ओर बढ़ने से भारत पहुंच सकते हैं, उसी प्रकार अगर पश्चिम की ओर हम बढ़ते हैं तो अटलांटिक महासागर में होकर के बढ़ने से भारत और चीन पहुंचने का मार्ग मिल सकता है। इसने ये चीज सोची थी, यानी कि हम लोग भारत के लिए जलमार्ग में कहां से गए कि पूर्व के द्वारा जब हम भारत पहुंच गए तो पश्चिम से हम लोग अटलांटिक महासागर होकर के अगर जाते हैं तो चाइना और भारत दोनों जगह पहुंच सकते हैं, इसे ये बात मालूम थी। ठीक है, लेकिन इस बहम में वो कहां पहुंच गया, वो अमेरिका के एक बहामा द्वीप की खोज कर बैठता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये क्या कर बैठता है, अमेरिका के एक बहामा द्वीप की खोज कर बैठता है। देखिए, ठीक है, इसका मानना क्या था, इस व्यक्ति का, क्रिस्टोफर कोलंबस का मानना था कि पूर्व से जैसे भारत पहुंचा गया, वैसे ही पश्चिम से भी
अटलांटिक होते हुए चीन एवं भारत जाया जा सकता है? कोलंबस ये बात मानता था। अब जब ये कोलंबस इस कॉन्सेप्ट पे आया निकल करके, तो ये क्या करता है, भाग आगे बढ़ता है, और इसी क्रम में वो क्या करता है, इसी क्रम में वो आगे बढ़ा, और जब वो इस क्रम में आगे बढ़ा तो वो अमेरिका के बहामा द्वीप की क्या कर बैठता है, खोज कर बैठता है। ठीक है, तो इसने अमेरिका के बहामा द्वीप की खोज कर दी। अमेरिका के बहामा द्वीप की खोज की थी। कौन सी खोज कर दी इसने? अमेरिका के बहामा द्वीप की खोज कर दी थी। 1492 में ये उस बहामा द्वीप पर पहुंचा और उस बहामा द्वीप को ये पूर्वी द्वीप समझ करके वहां के लोगों को रेड इंडियन कहकर के पुकारता है। ठीक है, लेकिन ये इसकी भूल थी, वो पूर्वी लोग नहीं थे, वो अमेरिका था। ठीक है, तो ये अमेरिका के इस बहामा द्वीप पर कब पहुंचा? 1492। 1492 में यह यहां पहुंचा। 1492 में बहामा पहुंचकर पूर्वी समझकर वहां के लोगों को रेड इंडियन बुलाया। क्या बुलाया? रेड इंडियन बुलाया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? मैं बहुत ज्यादा ओवरव्यू लेकर के चल रहा हूं, ऐसा नहीं हो कि आपके ऊपर होकर के निकल के जा रहे हो, चीजें उड़ेल नहीं रहा मैं आपके पीछे, जबरदस्ती आपके दिमाग में ठूसने का प्रयास नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है ना? अगर आप चाहते हो तो मैं इसको स्किप कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब बस हम पूरा पुर्तगाल का सारा कंसेप्ट भी पढ़ लिए तो इसको भी क्यों छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या था, कुछ भी हो, अब तक अज्ञात एक नई दुनिया जिसका नाम अमेरिका था उसकी जानकारी मिल चुकी थी, और आज इस अमेरिका का बहुत जबरदस्त क्या है, महत्व है। ठीक है, अब इसके बाद में इसी स्पेन का एक व्यक्ति और था जिसका नाम था फर्नांडो मैगलेन। मैगलेन, फर्नांडो मैगलेन इसका पूरा नाम हुआ करता था। स्पेन में ही हम लोग दूसरा व्यक्ति काउंट करते हैं। पेज चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, स्पेन के व्यक्तियों को ही पढ़ रहे हैं हम लोग। सेकेंड नंबर का व्यक्ति था फर्नांडो, और फर्नांडो मैगलिन क्या था? फर्नांडो मैगलिन। रमेश जी, एक्चुअली आईओएस में क्या है ना, बहुत कॉस्टली पड़ता है और बहुत सारे यूजर्स नहीं होते ना उसके, इस वजह से वो मैंने नहीं करवा रखा है। बाकी एक सेकंड का मैं ब्रेक लूंगा। पता ही नहीं चलता 36 मिनट 40 मिनट कब हो जाते हैं, क्लास में रोचकता इतनी बनी रहती है आप लोगों की तो पता ही नहीं चलता है ना। तो अब कहानी क्या थी, फर्नांडो मैगलिन की बातें करेंगे। 1519 से 1522 के बीच में दो तीन साल ये व्यक्ति काम कर रहा है। 1519 से और 22 के बीच में दो से तीन साल ये व्यक्ति क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, फर्नांडो मैगलिन। ये वैसे तो मूल रूप से पुर्तगाल का रहने वाला था, लेकिन ये भी क्या था, अरे वो आईफोन वाले बच्चों के लिए प्ले स्टोर पे ऐप नहीं मिलता ना अपना,
आईओएस वाला जो स्टोर है उस पर अपना ऐप नहीं है ना, वो केवल एंड्रॉइड वर्जन में या लैपटॉप पे या वेब सीरीज पे, मतलब वेब पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये मूल रूप से पुर्तगाल का था। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति भी स्पेन की सरकार की मदद से मसाला द्वीपों के अभियान पर निकला था, उनके खोज पर अभियान पर निकला था, और इस अभियान के चक्कर में पूरी दुनिया का चक्कर, यानी जलमार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला नाविक बन गया। ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या था, पुर्तगाल का था, लेकिन स्पेन सरकार की मदद से स्पेन सरकार की मदद से, ठीक है, ये मसाला द्वीपों की खोज में निकला। मसाला द्वीपों की खोज में निकलता है, लैपटॉप में लाइव नहीं चलता, लैपटॉप में केवल वैसे ही चलेगा। सुमित जी, मैंने आपको बताया था, देखो एक्चुअली क्या होता है कि आज लैपटॉप पे अगर हम लाइव की एक्सेस करने की परमिशन देते हैं तो साइबर क्राइम बहुत बढ़ चुका है, हमारे कोर्सेज लीक हो जाएंगे और कोई व्यक्ति 100-100 रुपए में टेलीग्राम पे इनको बेच रहा होगा। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर मेरा पढ़ाने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा, मेरा मन भी नहीं लगेगा काम करने में। मोस्टली इंडिया के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के जिन्होंने लाइव एक्सेस दे रखा है लैपटॉप पे, उनके कोर्स लीक हो जाते हैं क्योंकि साइबर क्राइम बहुत बढ़ चुका है, लोग इसको चोरी करेंगे और इनके सारे वीडियोज आपको 100 रुपए 150 रुपए में टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पे ऐसे लाखों ग्रुप्स एक्टिव हैं, इसलिए मैंने एक्सेस वहां नहीं दे रखा है। लैपटॉप में रिकॉर्डेड आप देख सकते हो और लाइव आप केवल मोबाइल पे देख सकते हो या टैबलेट पे देख सकते हो, और आईओएस में भी नहीं है। कुछ अच्छी चीजों के लिए कुछ थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो कुछ मैं कर रहा हूं तो कुछ आप लोग कर लो। यस, बिल्कुल नुसरत, तो इन सब पुर्तगालियों को क्या है, समुद्र यात्रा खोजने की होड़ लगी हुई थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये मसाला द्वीपों की खोज में निकला, ठीक है, और इसी क्रम में जलमार्ग द्वारा पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला प्रथम नाविक। नाविक बन गया ये, इसने इतनी बड़ी काम कर ली कि इसने पूरी दुनिया का, लॉगिन होने में दिक्कत नहीं है, लैपटॉप पे आप डायरेक्टली क्लास प्लस वेब जाओ, क्लास प्लस लॉगिन, और उसमें फिर स्टूडेंट लॉगिन का आएगा, स्टूडेंट लॉगिन का आएगा, तो वो एक ओआरजी कोड मांगेगा आपसे जिसको ऑर्गेनाइजेशन कोड कहते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है MRTIV, ये सब लोग लिख लो, ठीक है ना। अगर किसी को लैपटॉप में क्लासेस देखनी है तो ऑर्गेनाइजेशन कोड है MRTIV, MRTIV ऑर्गेनाइजेशन कोड लगाएंगे, आपका अपना मोबाइल नंबर लगाएंगे जिस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करते ही आपका एप्लीकेशन लैपटॉप पे खुल जाएगा, वेब पे। गूगल पे जाके ये सर्च करना, क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है, क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहां पे आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, आपको ये MRTIV ऑर्गेनाइजेशन कोड लगाना है, देन अपना मोबाइल नंबर सबमिट करके ओटीपी के जरिए आप लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद पिंकी, थैंक यू आपके लिए। सुनिएगा, तो ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला, श्रुति शर्मा, सारी पीडीएफ मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो मैं पढ़ाता हूँ सारी पीडीएफ मिलेंगी। यस दशरथ जी, नमस्कार, थैंक यू आपके लिए भी, सारी पीडीएफ मिलेंगी श्रुति शर्मा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तो भी मिलेंगी, और अगर आपने हमारा कोर्स नहीं ले रखा है तो आप कोर्स ले लीजिए तब आपको मिलेंगी, ठीक है ना। यस, वेरी गुड, आज ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर है, 50% ऑफ। अब वो तो बर्थडे था तो चक्कर में निकाल दिया तो ऑफर, नहीं तो अदरवाइज अब ऑफर दिवाली पे ही आएगा आपके पास। अब सुनिए, तो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या हुआ था, भारत चीन जापान
और जितने भी मसाला द्वीप थे उन सब का पश्चिमी मार्ग सबसे पहले इसी व्यक्ति ने खोजा हुआ था। भारत, चीन, जापान एवं मसाला द्वीपों पश्चिमी मार्ग सबसे पहले इसी ने खोजा। और देखिए आज शायद वैदिक काल की पीडीएफ कंप्लीट हो गई होगी, तो वैदिक काल का नोट्स जो है वो हमारा आ जाएगा। बिल्कुल स्वीति शर्मा, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। दोस्तों ये थे मैंने आपको गिनाए, पुर्तगालियों ने ये प्रयास किए, स्पेन वालों ने ये प्रयास किए, दुनिया यही खत्म नहीं हो रही, इसके अलावा इंग्लैंड के व्यक्तियों ने भी यहां पर प्रयास किए थे, क्योंकि ये भी यूरोपीय देश है। इंग्लैंड, इंग्लैंड के व्यक्तियों ने क्या प्रयास किया इन भौगोलिक खोजों में। अब फिर इसके बाद डायरेक्टली हम लोग डचों पे तो चलने वाले ही हैं। एक व्यक्ति था जॉन कैबॉट, इसका नाम क्या था, जॉन कैबॉट। ये था 1497, 1498 वास्को डी गामा, ये उसके आसपास का ही है। आपको याद होगा न्यू फाउंड लैंड, ये कि उत्तरी पूर्वी अमेरिका का एक द्वीप है, उसकी खोज की थी इस व्यक्ति ने, ठीक है। इसका नाम क्या था, इंग्लैंड का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन कैबॉट। क्या नाम था, जॉन कैबॉट, जॉन कैबॉट, 1497 इसने खोजा था किसको, न्यू फाउंडलैंड। किसको खोजा था, न्यू फाउंड लैंड, न्यू फाउंड लैंड। न्यू फाउंडलैंड क्या था, उत्तरी पूर्वी अमेरिका का कंटेंट में वैदिक कल की क्लासेस हैं, यस है ना, पूरे तरीके से उत्तरी पूर्वी अमेरिका का एक द्वीप था, उत्तरी पूर्वी अमेरिका का एक द्वीप। ठीक है, अब इस क्रम में लिखा दिया है मैंने ये इसको, हालांकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही जा रहा है आपके लिए अभी। और एक व्यक्ति था इसमें इंग्लैंड में, एक और ले लेते हैं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था फ्रांसिस ड्रेक। फ्रांसिस ड्रेक अंग्रेज था, ये सारी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला अंग्रेज कहा गया, 1577 का रहेगा ये, पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला अंग्रेज। तो ये इंग्लैंड के दो व्यक्ति थे जिन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद में मैं बात करूंगा आपसे इटली के प्रयास। इटली वासियों ने क्या किया था, इटली वासियों की पोजीशन क्या थी, इसमें एक व्यक्ति था इटली का जिसका नाम था अमेरिको वेचुस्पी। क्या था, अमेरिको वेचुस्पी। उसने क्या किया था, कोलंबस के काम को आगे बढ़ाया था, अमेरिको वेचुस्पी 1499। कोलंबस के कार्य को आगे बढ़ाया, ठीक है, इसी के नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है। और कॉस्मोग्राफी इंट्रोडिक्सियो, इसने एक बुक लिखी थी, उसका राइटर है ये, ठीक है। अमेरिका का नाम इसी के नाम पर, और एक इसने बुक लिखी थी,
इसकी बुक का नाम हुआ करता था कॉस्मोग्राफी इंट्रोडिक्सियो। कॉस्मोग्राफी इंट्रोडिक्सियो इसने बुक लिखी थी, अमेरिकी, वेचुस्पी नाम का था। तुम यार मुझे पढ़ा लेने दो, सारी चीजें क्लास में ही याद आती है कि तुम लोगों को है? क्लास में ही याद आती है कि नोट्स कैसे आएंगे, प्रिंट कैसे निकलेंगे। फिर एक काम करते हैं, ये बंद कर देते हैं, एक हेल्पलाइन सेंटर खोल के बैठ जाता हूँ कि 9 से 10 में हेल्पलाइन चलेगी। तुम में से कोई मुझे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, वहां पूछ लिया करो। चलती हुई क्लास में टांग खींचते रहते हो बैठ करके, पढ़ने में तो तुम्हारा मन लगता नहीं है। इसको लर्न करना तो तुम्हारी हॉबी रही नहीं है कि तुम्हें पढ़ना है, इसको याद करना है, सीखना है। फालतू की बातें तुमसे क्लास में करवा लो। जब क्लास की बात है और जब नोट्स निकालने की चीजें समझा रहा होता हूँ, कई बार गूगल पे समझाता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होनी है वो बताता हूँ, तब तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाता है। तुम लोगों को गिनीज बुक में दर्ज करवाऊंगा मैं एक दिन, समझ गए? तो सिस्टम सुधारो यार, क्या बना रखा है तुम लोगों ने। ये जो मैं समझा रहा हूँ इस पर कोई मतलब नहीं, इसका कोई फोकस ही नहीं है आप लोगों को। इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया, इस क्रम में फ्रांस भी पीछे नहीं था। फ्रांस की पोजीशंस क्या थी सुनिए, फ्रांस में एक व्यक्ति था वेर राजनो, ये भी इटालवी नागरिक था वैसे मूल रूप से, वेर राजनो। मूलतः इटालवी था ये व्यक्ति, मूलतः कैसा था, इटालवी हुआ करता था। बुक का नाम कॉस्मोग्राफी इंट्रोडिक्सियो, कॉस्मोग्राफी इंट्रोडिक्सियो ये लिख रहा, कॉस्मोग्राफी इंट्रोडिक्सियो, कॉस्मोग्राफी इंट्रोडिक्सियो लिख लो इसको ढंग से एक बार। मूलतः इटालवी था, फ्रांस सरकार की मदद से ये कहां गया था, पश्चिमी मार्ग खोजने निकला था। फ्रांस सरकार की मदद से, फ्रांस सरकार की मदद से एशिया के लिए पश्चिमी मार्ग की खोज करने के लिए निकला हुआ था ये व्यक्ति। एक सेकंड रुको, वेर राजनो मूलतः इटली का था, बिल्कुल यस। कॉल आ गया था मेरा, अभी वॉइस आ गई क्या मेरी? ठीक है, ये फ्रांस सरकार की मदद से एशिया के लिए पश्चिमी मार्ग खोजने निकला था। फ्रांस सरकार की मदद से एशिया के लिए पश्चिमी मार्ग खोजने निकला था। ठीक है, खोजने तो इसको निकला था लेकिन खोज कुछ और कर दी इसने। नॉर्थ कैरोलिना से लेकर के न्यूयॉर्क तक की खोज की थी इसने। ठीक है, खोजने निकला लेकिन खोज की नॉर्थ कैरोलिना से लेकर
नॉर्थ कैरोलिना से लेकर के न्यूयॉर्क तक की खोज कर देता है ये व्यक्ति। खोज ने तो पश्चिमी एशिया के लिए एक मार्ग निकला था, ठीक है। इसके बाद में एक व्यक्ति और लेंगे अपन काउंट करके, जिसका नाम रहेगा, फ्रांस का ही व्यक्ति है वो, जैक कार्टिमर। जैक कार्टिमर की बात करें तो इस व्यक्ति ने क्या किया था, ये 1534 में काम करेगा, क्यूबेक नाम की एक जगह है और मॉन्ट्रियल नाम की एक जगह है, उसका खोजकर्ता कहा जाता है इसको। किसका? क्यूबेक एवं मॉन्ट्रियल, 1534। क्यूबेक एवं का खोज करता, ये इन जगहों का खोज करता हुआ करता था, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको सारे देश बताए जो यूरोप के प्रमुख देशों में काउंट होते हैं। दोस्तों कहानी यही थी कि यूरोप के 18वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग विश्व के सभी देश खोजे जा चुके थे। किसके लिए? 18वीं शताब्दी के मध्य तक विश्व के लगभग जो वर्तमान में देश है उन सबकी खोज हो चुकी, दुनिया के नक्शे पे आ गए, धरातल पर आ गए थे। अब कहानी क्या थी इनमें, पुर्तगालियों पे अब वापस कनेक्ट करेंगे आपको। तो पुर्तगालियों के जो जहाज थे वो अरब व्यापारी या भारतीय व्यापारियों के जहाजों की तुलना में श्रेष्ठ थे, ठीक है। कहानी क्या थी, क्यों श्रेष्ठ थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पुर्तगालियों के जो जहाज थे वो हवाओं की दिशाओं के विपरीत भी यात्रा कर सकते थे, लेकिन हमारे अरबी और जो भारतीय जहाज थे वो केवल क्या कर सकते थे, हवाओं के संग संग यानी हवाओं की दिशाओं में यात्रा करते थे। एक तो ये मेन अंतर था। दूसरा क्या था कि पुर्तगालियों के जो जहाज थे वो तूफान और ज्वार भाटे जो समुद्र में आते हैं उनका भी बहुत आसानी से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन भारत और अरब के जहाजों में ऐसी क्षमताएं नहीं हुआ करती थी। पुर्तगालियों के जहाज बहुत खराब मौसम में भी समुद्र में ठहर सकते थे, लेकिन अरबी और भारतीय जहाज इसका मुकाबला करने में क्या थे, सक्षम नहीं थे। तो जब खराब मौसम आता था तो उस खराब मौसम पर पुर्तगाली सॉरी अरबी या भारतीय जहाजों को क्या करना पड़ता था, अपने निकट के बंदरगाहों में जाकर के शरण लेनी पड़ती थी। पुर्तगालियों ने अपने जहाजों पर तोपखानों का प्रयोग किया था, और ये तोपखानों मतलब तोप रख करके अपने जहाजों पर चला सकते थे, लेकिन अरबी और भारतीय जो जहाज थे वो क्या हुआ, मतलब उनके अगर उन पर तोप चला दी तो उनके टुकड़े हो जाते थे, उनकी मजबूती नहीं थी, बहुत स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है। पुर्तगाली जो थे, एक बढ़िया क्वेश्चन यहां पर आप कॉपी में कहीं भी लिख लेना, इन्होंने क्या किया था, पुर्तगालियों का जो माल था उसका मूल्य अधिकांश ये चांदी के सिक्कों में चुकाते थे। यहां से कुछ चीजें अपन नोट कर लेंगे। तो एक बात तो यहां लिख दो, 18वीं शताब्दी के मध्य तक विश्व के लगभग सभी देश खोजे जा चुके थे। विश्व के सभी देश खोजे जा चुके थे। हर प्रकार से श्रेष्ठ थे पुर्तगाली, माल का अधिकांश मूल्य चांदी के सिक्कों में चुकाते थे। चांदी के सिक्कों में चुकाते थे पुर्तगाली, अधिकांश जो मूल्य देते थे वो
वो चांदी के सिक्कों में पे करते थे। लगभग 1500 ईस्वी की बात करें तो हिंद महासागर में जो सबसे लंबा समुद्री व्यापारिक मार्ग था वो था अदन से लेकर के मलक्का तक, और ये मार्ग गुजरात या मालाबार के तट से होकर के क्या होता था, गुजरता था। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर 1500 में सर्वाधिक लंबा समुद्री मार्ग अदन से मलक्का तक, ठीक है, और ये मार्ग गुजरात एवं मालाबार तट से गुजरता था। तो मध्यस्थ की भूमिका में आ जाएंगे इस मार्ग पर, एक तरीके से स्टॉपेज हो गए इनके, ठीक है। मसाला व्यापार केंद्र की बात करें तो मसाला व्यापार जो केंद्र था, एक तो गुजरात के कुछ प्रमुख बंदरगाह थे और मालाबार के भी कुछ प्रमुख बंदरगाह थे। जैसे बात करूं मैं आपसे सबसे पहले गुजरात, तो गुजरात के बंदरगाहों में सूरत था, भड़ोच था, सूरत भड़ोच और खंबात, इसे कैम्बे कहते थे, और एक दूसरा था यहां पर मालाबार तट के। तो गुजरात और मालाबार की बात हो रही है तो मालाबार के कालीकट और कोचीन थे। मालाबार के क्या थे, कालीकट और कोचीन, ये प्रमुख क्या हुआ करते थे, मसाला के व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। इसके अलावा अपन एक लिस्ट और बनाएंगे जिसमें आपसे स्पष्टली एक चीज पूछी जा सकती है कि ये लोग आयात क्या करते थे और ये लोग निर्यात क्या करते थे। यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, आपसे सीधा सीधा सा पूछा जाएगा। ऊनी कपड़ा, शुद्ध सोना, ऊनी कपड़ा, शुद्ध सोना, चांदी एवं अन्य यूरोपीय वस्तुएं, अन्य यूरोपीय यूरोपीय वस्तुएं नहीं, चांदी आदि यूरोपीय वस्तुएं, इन चीजों को ये खरीदते थे पुर्तगाली। ऊनी कपड़े को, चांदी को, सोने को कहां से खरीदते थे, यूरोप से, यूरोप से पुर्तगाली उठाते थे, और यानी कि लाल सागर और फारस की खाड़ी से ये लोग इनको लेते थे, लाल सागर एवं फारस की खाड़ी से इसको ये खरीदते थे। इसके अलावा आपको याद होगा ये लोग काली मिर्च और दालचीनी कहां से खरीदते थे, श्रीलंका से। काली मिर्च और दालचीनी कहां से खरीदते थे, श्रीलंका से। थर्ड पॉइंट पे बातें करेंगे घोड़े, मोती, फारसी रेशम, घोड़े, मोती, फारसी रेशम और कालीन और कलर्स, रंग, कालीन और रंग, इन चीजों को खरीदते थे ये कहां से,
हॉर्मुज के माध्यम से फारस की खाड़ी से खरीदते थे। इनको हॉर्मुज के माध्यम से फारस की खाड़ी से खरीदते थे। ठीक है भाई, एक पॉइंट तो ये हो गया। चौथे पॉइंट पे लिखिए, मसाला इसके अलावा रेशम, रेशम के अलावा आपका चीनी मिट्टी, लाख और कपूर, ये इनको खरीदते थे दक्षिण पूर्व एशिया से। और एक लिखेंगे अपन इसमें, गुलाम, हाथी दांत और सोना, इनको खरीदते थे ये पूर्वी एशिया से। कहां से लेते थे? सॉरी, पूर्वी अफ्रीका से, पूर्वी अफ्रीका। अब ये चीजें यहां से खरीद रहे और दूसरी जगह पर जाकर के बेच रहे। अब ये क्या करते थे? निर्यात। निर्यात की बात करें तो गुजरात से किस चीज का निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, मालाबार तट से किस चीज का निर्यात कर रहे हैं, ये सारी चीजें, बंगाल की खाड़ी से किस चीज का निर्यात कर रहे हैं, कोरोमंडल तट से किस चीज का निर्यात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को अभी समझनी है। अब हम बात करेंगे निर्यात को लेकर। निर्यात की कहानी ऐसी थी, देखिए निर्यात में क्या था, सूती वस्त्र हुआ, मनके हुए, खाद्य सामग्री हुई, या टाफ्टा, टाफ्टा एक प्रकार का कपड़ा होता था, ये सब लोग गुजरात से खरीदते थे। सूती वस्त्र, मनके, खाद्य सामग्री, टाफ्टा एक प्रकार का वस्त्र था आदि गुजरात से खरीदे जाते थे, ठीक है, सॉरी बेचे जाते थे। हाँ बिल्कुल खरीदते थे, अभी आऊंगा मैं उन सब चीजों पर, टेंशन मत लो। ये लोग वहां से भी लेते थे, ठीक है ना। अब निर्यात में गुजरात में ये निर्यात हो रहा है। मालाबार तट की अगर बात करें तो विशेषकर से मालाबार तट, मालाबार तट में बात करेंगे विशेष तौर पर कालीकट से, यहां से इनकी जो चीजें आती थी वो काली मिर्च थी, दालचीनी थी, ठीक है, काली मिर्च और दालचीनी तो मुख्य रूप से श्रीलंका से ही थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कहां से लाई जाती थी, श्रीलंका से लाई जाती थी। इसका भी ये क्या करते थे, दालचीनी का भी यहां पर निर्यात करते थे, ठीक है। इसके अलावा अदरक था, नील था, जिसका ये निर्यात करते थे। और इसमें याद रखना, नील में अधिकतर सोना इसी के जरिए कमाया जाता था।
अधिकतर सोना नील के जरिए कमाया जाता था। इसके अलावा सूती कपड़ा, मसाला, जड़ी बूटियां, चंदन की लकड़ियां आदि भी थी। सूती कपड़ा यहां भी था, मसाला यहां भी था, चंदन की लकड़ियां यहां भी थी। ठीक है, चंदन की लकड़ी यहां भी थी। और इसके अलावा हरड़, लाख, जटामासी। जटामासी किसको कहते हैं जानते हैं क्या आप लोग? जटामासी किसको कहते हैं? नारियल को। इमली, सुपारी और हल्दी। इमली, सुपारी, हल्दी आदि। हल्दी और हाथी दांत आदि। हाथी दांत आदि ये है। कहां से? मालाबार तट से इनका व्यापार हुआ था। कोई बात नहीं, जाइए आप क्लास से, बेस्ट ऑफ लक। सुनिए भाई, आगे अब मालाबार तट के अलावा फिर हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी से। बंगाली कपड़े, बंगाली खाद्य सामग्री, जटामासी, अदरक बंगाल की खाड़ी से लेते थे। बंगाली कपड़े, जटामासी, अदरक और खाद्य सामग्री। ये सब बंगाल की खाड़ी। यहां से ये निर्यात होता था। कोई बात नहीं, क्लास अच्छी नहीं चल रही, आप जाओ, आपका काम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या एक चीज और रह गई, कोरोमंडल तट। ठीक है ना, कोरोमंडल तट से ये लोग क्या लेते थे? कपड़ा, धागा और चंदन की लकड़ी। ये सब यहां पे निर्यात था इनका। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब सुनिए, दो तीन चीजें और है, अब बस फटाफट से, समय आ चुका है हमारे इन क्वेश्चंस को समाप्त करने का, यानी कि सेशन को समाप्त करने का। कुछ प्रमुख शब्दावली और कराऊंगा इसमें, और उसके बाद डायरेक्ट डचों को ला करके, अंग्रेजों को ला करके, लड़ा लड़ू के आगे अंग्रेजों को निकाल देंगे। दो तीन दिन की क्लास में तो कंप्लीट हो जाएगा बेस्ट तरीके से। आपसे एक चीज पूछी जाएगी, चूलिया मुसलमान किसको कहते थे? इसमें एक शब्द आता है चूलिया मुसलमान। आप जानते हैं चूलिया मुसलमान कौन होते हैं? हमारी क्लास में तो मुस्लिम कम्युनिटी के भी बहुत सारे बच्चे हैं। बताओ चूलिया मुसलमान कौन कौन होते हैं? क्लियर हुआ? जो दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय हुआ करता था उसको चूलिया मुसलमान कहते। क्या कहते थे? चूलिया मुसलमान। एक प्रपंजी व्यवस्था थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रपंजी व्यवस्था क्या होती है? ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म मतलब दूसरे तरीके से देखें तो हाजिरी व्यवस्था। प्रपंजी व्यवस्था या हाजिरी व्यवस्था क्या होती थी? तो यूरोपीय जो कंपनियां थी, उस यूरोपीय कंपनियों ने मानकीकरण को क्रियान्वित करने के लिए इस व्यवस्था का विकास किया था। यूरोपीय कंपनियों ने मानकीकरण को क्रियान्वित करने के लिए
यह व्यवस्था प्रारंभ की। था क्या इस व्यवस्था में? सुनिए, इस व्यवस्था में क्या था? तो यह व्यवस्था प्रारंभ की थी, ठीक है। इसमें एक तो होता था क्या, नमूना, या उसको बानगी कहते थे, जिसमें मस्टर, और एक होता था हाजिरी। और दूसरा क्या होता था इसमें? हाजिरी। ये व्यवस्था थी प्रपंजी व्यवस्था, ठीक है। इसके अलावा शब्दावलियों पे बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ चीजें और हैं जो आपको सीखनी है। बुलियन एक शब्द आता है, तो बुलियन किसके लिए इस्तेमाल होता था? सोना चांदी। सोना चांदी के लिए हम लोग बुलियन शब्द। कोई बात नहीं, सीख जाओगे अब आप लोग, ठीक है ना। इसके अलावा एक शब्द आया था इसमें, जिसको कहते थे हम लोग कंट्राबैंड ट्रेड। ये होता था निषिद्ध व्यापार। ठीक है भाई, निषिद्ध व्यापार। कार्गो स्पेस। कार्गो स्पेस कहते थे पुर्तगाली जहाजों में माल रखने के स्थान को। पुर्तगाली जहाजों में माल रखने का स्थान, ये क्या कहलाता था? कार्गो स्पेस कहलाता था। यस, वेरी गुड सैली, बहुत बढ़िया, शानदार। मेरी क्या है, एंट्री पोर्ट, यानी कि इंटर पोर्ट बोलेंगे इसको शायद। अंग्रेजी थोड़ी सी ऐसी है, ज्यादा शुद्ध नहीं है, हालांकि मैं इंग्लिश से एमए किया हुआ हूँ, बट 2008 में किया था मैंने इंग्लिश से एमए। अब अंग्रेजी से मेरा लगाव छूट गया, पढ़ाने पढ़ा तो है ही नहीं बहुत दिन से, और बहुत ज्यादा डिमांड है कि मैं हिस्ट्री को भी इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट कर दूं, दुगने बच्चे आ जाएंगे, समझ गए ना। इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट कर देते हैं हिस्ट्री को, तो वापस सोच रहा हूं इस पे काम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक शब्द आएगा इसमें आपका फ्रेट ट्रेड, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मालवहन व्यापार। अब बस इसमें ज्यादा नहीं है, एक दो और लिखाएंगे आपको। हाँ, इंग्लिश मीडियम में टीचर्स नहीं है, बहुत नीड है इंग्लिश मीडियम के टीचर्स की, तो मैं प्रयास कर रहा हूं। एंड सुमित, आई थिंक कि तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, और मुझे हेल्प कर दो, मेरे सारे नोट्स तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दो, तो तुम जो चाहो वो मैं तुम्हें गिफ्ट देने को तैयार हूं, और फिर उस बात से सारे इंडिया के स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा। मैं वीक नहीं हूँ इंग्लिश में, मुझे छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, इंग्लिश से एमए हूं मैं, 2008 में मेरा एमए हुआ था इंग्लिश से, ठीक है। डबल एमए हिस्ट्री का, एमए बाद का था, इंग्लिश का पहले था, लेकिन अब टच जब छूट जाता है सब्जेक्ट का तो बात अलग होती है, तो ये चीज थी ना। तो पूरे के मेरे जितने भी नोट्स है, अगर तुम इंग्लिश मीडियम में इनको बना दो तो फिर मजा आ जाएगा एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, थैंक यू, अब मुझे तुम मिल गए, मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें।
तो हरबिंगर्स ये होता था अग्रदूत, और इसके अलावा और कोई है क्या तुम में से जो लिख के दे दे? हमारा क्या होगा सर? नहीं, फिर हिंदी में भी पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी है। अभी तो क्या है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लौटाने पड़ते हैं ना, इसलिए दिक्कत आती है। इसको कहते थे प्रभुत्व। और एक शब्द और लिख लो, ये होते थे समुद्री डाकू। ये क्या होते थे? समुद्री डाकू। तो दोस्तों यहां पे हम नहीं, टेंशन मत लो, बिल्कुल सुमित ने बर्थडे गिफ्ट दे दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो पहली यात्रा हुई थी वास्को डिगामा की, और वास्को डिगामा ने जितना काली दाम काली मिर्च का कालीकट में जो दाम था उसको 26 गुना ज्यादा दामों में जा करके, क्या चल रहा था वेनिस में, उसका दाम उस टाइम पर 26 गुना ज्यादा था, ठीक है। और ये सारी चीजें थी पुर्तगाली। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, अपने आप को सागर के स्वामी भी कहते थे। कुछ लास्ट पॉइंट जो नोट कर लेना आप लोग, पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा गया। ठीक है ना, सागर का स्वामी कहा था। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, काफिला आर्मेडा को बोलते थे। और बिल्कुल धन्यवाद सुमित, अपन बात करते हैं इस मैटर पे। कार्टेज व्यवस्था होती थी जिसको काफिला व्यवस्था कहते थे। कार्टेज के पीछे आर्मेडा होता था, जंगी जहाजों का एक बेड़ा होता था, ठीक है। मुगल बादशाहों ने किस तरीके से कार्टेज प्राप्त किए थे, ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने समझा दी थी। काफिला क्या था, सारी चीजें आपको क्लियर कर दी गई थी, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज और आपको याद रखनी है। पुर्तगाली आपने पढ़े हैं तो एक शब्द और लिख लीजिएगा, क्रूजेड। ये पुर्तगाली मुद्रा होती थी। क्या होती थी? क्रूजेड हम लोग किसको बोलते थे? पुर्तगाली मुद्रा को क्रूजेड कहते थे, ठीक है। और पुर्तगालियों के आगमन के बाद भारत में काली मिर्च के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई थी, बात याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लगभग लगभग क्या कर ली, पढ़ ली। और मेरी तरफ से यहां पर जाकर के पूर्ण रूपेण आपके पुर्तगाली जो है वो लगभग लगभग क्या है, कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो चलेगा डचों की ओर। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा डच। अब डच कंपनी पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। परिवार के साथ आज थोड़ा सा एक यात्रा का प्रोग्राम है, हनुमान जी के दर्शन करके आता हूँ, आपको भी दर्शन कराऊंगा लाइव वहां से यूट्यूब पर। और थैंक यू सो मच आप सबके लिए। सारा पुर्तगाली याद हो गया, याद होना भी चाहिए, ठीक है ना। पूरे के पूरे पुर्तगाली कंप्लीट हो गया आज। तो आज थोड़ी सी क्लासेज हमारी कम रहेंगी और फिर इवनिंग में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ एक बात और, एप्लीकेशन पे ऑफर चल रहा है, जिन लोगों ने अभी तक कोर्स नहीं लिया उनको आप लोग बता सकते हैं कि वो कोर्सेज ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी उन्हें आप सबके लिए जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हार्दिक आभार।